हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आई हूँ इंदौर के स्नो सिटी में और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं एक्सपीरियंस, यहाँ के टाइमिंग क्या है, चार्जेस क्या हैं और क्या फ़न एक्टिविटीज़ हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अभी यहाँ पे जा रहे हैं अंदर और हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है कि नहीं, बिकॉज़ हम लोगों को लगी है भूख। सो वी आर प्लानिंग टू टेक टिकट्स और टिकट्स के बाद हम लोग पहले थोड़ा कुछ खाना खाएंगे और उसके बाद फिर हम स्नो सिटी के अंदर जाएंगे। सो टिकट ले लिया था हमने और टिकट लेने के बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ा कुछ खाना खा लिया जाए, और क्योंकि हम लोग को आते आते 1 आवर लग चुका था तो काफ़ी टाइम हो गया था, सबको भूख लग चुकी थी, तो हल्का फुल्का ही हम लोगों ने सोचा कुछ खाया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे बफे सिस्टम था और रेस्टोरेंट का एम्बियंस भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे ना बच्चों के लिए ऑर्डर किया था सैंडविच और फ्राइज़, तो उन लोगों ने वो खाया और उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। मैंने एक थाली ऑर्डर किया था कि थोड़ा बहुत उसमें हम लोग खाना खा लेंगे, और उसके बाद थाली जब तक आई थी ना हम चले गए थे पूल साइड में, तो पूल साइड भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा है और इवनिंग में तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा यहाँ लगता होगा बिकॉज लाइटिंग्स है, लाइव म्यूज़िक भी है। और बस इसके बाद हम लोग ने फ़ोटोज़ खींचे और मेरी थाली आ गई। थाली में 299 रुपीज़ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खाना भी इसमें मुझे मिला, दो प्रकार की सब्जी, रोटी। और बस इसके बाद ना फिर हम चले गए स्नो सिटी के अंदर, और स्नो सिटी के टिकट्स के चार्जेस थे 700 रुपीज़ पर अडल्ट और 500 रुपीज़ था जो 3 साल के बच्चे हैं उनका, और 3 साल के नीचे वाले बच्चों का सिर्फ आपको ड्रेस का 200 रुपीज़ देना था। तो काफ़ी अच्छी म्यूज़िक वहाँ पे थी और अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड था, -10 यहाँ का टेम्परेचर था। बट अभी मुझे, मैंने जो रिव्यूज़ देखे थे, वीडियोज़ देखे थे, वो थोड़ा अलग था, और अभी जो हम लोग गए थे ना तो यहाँ पे जो वो स्नो का स्प्रे हो रहा था वो नहीं था, और म्यूजिक्स जो लाइट्स का, मतलब लाइट्स अलग अलग तरीके के चल रही थी वो नहीं दिखा, और जो स्नो की क्वालिटी थी ना वो भी मुझे थोड़ी सी हार्ड लगी, बिकॉज मैं ना ऑलरेडी हैदराबाद और बैंगलोर की स्नो सिटी में गई हूँ तो वहाँ का काफ़ी ज़्यादा ना सॉफ्ट स्नो है, तो मे भी शायद यहाँ पे वो, मैंने आपको बताया कि स्नो स्प्रे नहीं हो रहा था इस वजह से हो, मगर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी लाइक मतलब एनिमल्स वहाँ पर बहुत सारे थे और स्लाइडिंग वहाँ पे था, स्नो स्लाइड आप कर सकते थे तो, और ये एनिमल्स का जो मैंने आपको बताया ना ऐसे ऐसे कुछ काउंटर्स बनाए हुए थे फ़ोटोशूट के लिए, तो वो ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी। तो फर्स्ट टाइम जो अगर आ रहा है या जो पहले नहीं यहाँ कभी स्नो सिटी गया है उसके लिए इट वाज़ ओके। थोड़ा छोटा एरिया भी मुझे छोटा सा ही लगा, बट ओवरऑल इट वाज़ ओके गुड, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ पे ना काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी थे बाहर करने के लिए, और बड़ों के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थी वहाँ पे। सो ये वहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ऊपर जाके कुछ इस तरीके का वहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ से स्लाइडिंग भी है, और लेकिन ये स्लाइड वाला एरिया भी अभी बंद था, तो मुझे लगता है ना कि कोविड के बाद या विंटर सीज़न अभी स्टार्ट हो रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं यहाँ पे। तो ये स्लाइडर वहाँ पे था जो कि बंद करके रखा हुआ था, तो वहाँ पे हम नहीं स्लाइड कर सकते थे, इस तरीके का एक नेट का ब्रिज बना हुआ था। सो थोड़ी देर के बाद ना काफ़ी ठंड सी लगने लगी तो बच्चे ना अनकंफर्टेबल होने लगे, तो हम उनको बाहर लेकर आ गए, और बाहर ये भी ना बहुत ही अच्छा एक एक्टिविटी एरिया है बच्चों के लिए, इसका चार्जेस 300 रुपीज़ है पर चाइल्ड। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि पहले बड़े भी जा सकते थे बट इस बार बड़ों को अलाउ नहीं किया जा रहा था, सिर्फ बच्चों को ही अलाउ किया जा रहा था, तो उन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया एज़ कम्पेयर टू स्नो सिटी, बच्चे यहाँ पर ज़्यादा इन्जॉय किए तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और बाहर में ना बच्चों के लिए ऐसे कार राइडिंग भी है, तो वो है 100 रुपीज़ बस 1 राउंड लिए, और इसके बाद थोड़ा सा बड़ों के लिए भी कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ है ऊपर की ओर, अगर आप स्लाइड करना चाहें तो वो सारी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। तो ओवरऑल ना अगर आप एक दिन के लिए डे आउट करते हैं, बिकॉज ये 14 किलोमीटर है इंदौर से, हम लोगों को अपने घर से 1 आवर ऑलमोस्ट लग ही गया था यहाँ पहुँचने में, तो ओवरऑल एक दिन के लिए काफ़ी अच्छा एक्टिविटीज़ है, आप आ सकते हैं यहाँ बच्चों के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।